ये वहीं से वीडियो आगे हुई है जहां से फिनिश हुई है। रमन रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 49th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है अगर हम ध्यान से देखें। दैट इज, इसमें जो बताया गया है कि रमन जो है, रमन इज एट द 16th फ्रॉम द टॉप। ऊपर से कितने नंबर पर हैं? 16 पे हैं। एंड 49th फ्रॉम द बॉटम, तो बॉटम से कितने नंबर पे हैं? 49। तो हमें क्या निकालना है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स मीन्स टोटल निकालना है। तो हमें टोटल का फॉर्मूला पता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो 16 प्लस 49 माइनस 1, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 6 9 6 15, 4 1 5 1 6, 65 माइनस 1, तो दैट मीन्स 64 इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। तो ऑप्शन नंबर, आई होप आपको मैच कर गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, दैट इज द आंसर नंबर 64। तो आंसर भी दिया गया है यहाँ पे, आंसर कितना दिया गया है देखिए, आंसर नंबर ए है और आंसर ए पे क्या दिया है 64, तो 64 आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप बैक करिए, अगर आपको जल्दी जल्दी नहीं समझ आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा जाके देख सकते हैं। फिर दिया गया संजीव रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, इजी इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बोला था एक ही क्लास में ये पूरा हो जाएगा। संजीव रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, तो संजीव जो है दैट इज ही इज फ्रॉम द 7th फ्रॉम द टॉप अंडर 28th फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से संजीव ही कितने नंबर पर हैं? 28th पर हैं। मीन्स टॉप कितना है? 7th, और बॉटम से कितना है? 28th। हम इसे कह सकते हैं लेफ्ट, इसे कह सकते हैं राइट। लेफ्ट और राइट हमें पता चल गया। तो हाउ मेनी स्टूडेंट मतलब टोटल हमें निकालना है, तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से कितना? 7 प्लस 28 माइनस 1, तो 7 7 14 1 15 और 35 माइनस 1, दैट मीन्स 34 इज माई राइट आंसर। ओके, तो 34 आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी में है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो मेरा है वो सबसे राइट आंसर है, तो आंसर नंबर डी हो जाएगी। ये देखिए, मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, शुरू में ही स्टार्टिंग में दे दिए गए थे। इसमें सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, पी इज सिटिंग 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड क्यू इज 7th फ्रॉम द राइट। इफ देयर आर फोर स्टूडेंट, यस इट इज टाइप नंबर 2। मैंने आपको पहले बता दिया टोटल टाइप 3 है, तो यह टाइप 2 का क्वेश्चन है। सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रोज, ऐसे कुछ लड़के हैं जो बैठे हुए हैं ना, बॉयज आर सिटिंग इन अ रोज, पी इज सिटिंग 14th फ्रॉम द लेफ्ट। ऐसे कर लेते हैं, दिस इज द लेफ्ट और दिस इज द राइट, है ना। तो पी इज सिटिंग 14th फ्रॉम द लेफ्ट, पी 14th, ये लेफ्ट है मेरा, तो यहाँ से ये पी है कितने नंबर पर? 14th पे अज्यूम कर लिया। एंड क्यू इज 7th फ्रॉम द राइट, तो इधर से अगर हम देखें तो क्यू हम सपोज कर लेते हैं, क्यू इज स्टैंडिंग एट द 7th फ्रॉम द राइट। ओके, इफ देयर आर फोर स्टूडेंट बिटवीन द पी एंड क्यू, यहाँ पे चार स्टूडेंट है, ये देखिए 1 2 3 और 4, है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन आर, तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली टोटल इक्वल टू लेफ्ट से कितना? 14, बीच में कितने? 4, और राइट से कितने हैं? 7, तो सबको गिन डालो भाई, 14 ये हो गए। देखिए ये रिपीटेड नहीं है, ये बार बार काउंट नहीं हुआ, इसलिए माइनस 1 नहीं होगा। तो देखिए 14 4 18 18 7 7 14 25 और 1 26 आंसर आएगा, 4 4 8 7 7 25 आएगा 25। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 25 आ जाएगा। देखिए बीच में 4 बैठाए हैं, रिपीटेड नहीं है एक भी, है ना। अगर रिपीटेड होते तो माइनस 1 होता, जैसे ऊपर से भी पी को काउंट करता और नीचे भी पी, तो पी की काउंटिंग कितनी बार हो गई? 2 बार हो गई, इसीलिए हम माइनस 1 करते थे। जहां पे रिपीटिशन ना हो वहां पे हमें क्या करना है? काउंटिंग एक ही करनी है, ठीक है, ध्यान रखिए। काउंट हमें एक ही बार करना है, है ना, और अगर एक बार है, दो बार है, तो दो बार काउंट करना है, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होना चाहिए, यहाँ पे दिया भी है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, क्वेश्चन रहने से ज़्यादा इजी होता है। ओके, क्वेश्चन क्योंकि मेरी राइटिंग भी आप जानते हैं बहुत मस्त वाली है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दिया है अरुणा, अरुणा एक लड़की का नाम है। अरुणा रैंक 12th इन अ क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट, दैट मीन्स अरुणा जो है रैंक 12th
TWELFTH 12th इन क्लास, तो अरुणा जो है वो 12th है. व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द लास्ट, अगर लास्ट से पूछा है दैट मीन्स अरुणा की रैंकिंग ये आगे से है, आगे से है दैट मीन्स टॉप से कितना है 12th है. एंड 46 टोटल कितने हैं, 46 है ना, तो हमें पता है भाई टोटल इक्वल टू क्या होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, या हम ये भी कह सकते हैं टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस वन. तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 46 हैं. एंड टॉप से कितनी रैंकिंग है अरुणा की, 12. बॉटम से हमें निकालना है, बॉटम मतलब लास्ट है ना, तो 46 इक्वल टू 12 माइनस 1 तो 11 और प्लस बी, तो ये 46 माइनस 11 आप कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ जब भी साइन चेंज होगा, अगर इधर इंटरफेरेंस इंटरफेयर करके चेंज होगा तो फिर साइन चेंज होगा. 6 में से 1 गया 5, 50 में से 1 गया 3, 35 स्टूडेंट हैं टोटल. कितने स्टूडेंट हैं, 35 स्टूडेंट आर इन द क्लास. तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, 35 है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, और आंसर नंबर सी को ही राइट इन्होंने भी कहा है. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा, ठीक है. अगला देखते हैं, मनोज एंड सचिन आर रैंक 7th एंड 8th रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास, ओके रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे देखते हैं एक वर्ड आया रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब है मनोज जो है 7th पे है और सचिन जो है 8th पे है फ्रॉम द टॉप. तो इधर देखते हैं मनोज उसी लाइन में कितने नंबर पर है, 7th में, उसी लाइन पे ऊपर से 11th पे कौन है आपका, सचिन. सचिन कितने पर है, 11th पे, ठीक है. What will be their respective rank from the bottom in a class, from the top in a class of 31. तो total student जो class में दिए गए हैं they are 31. तो पहले इसका निकाल दो फिर इसका निकाल दो, बस वही answer हो जाएगा. Respective है ना, मतलब मनोज की ranking हमें पहले बतानी है फिर इसकी ranking बाद में बतानी, ठीक है. तो total equal to left plus दो बार करना पड़ेगा minus one. तो total कितने हैं, 31 है. पहले हम मनोज का निकालते हैं, तो 7 प्लस राइट माइनस 1, तो 31 इक्वल टू 7 में से 1 गया 6 इक्वल टू राइट, तो 31 माइनस 6 इक्वल टू आर. यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, 31 माइनस 6 5 11 तो 25, तो मनोज की कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी. और इसकी देख लेते हैं इसकी कितनी आएगी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. टोटल कितने हैं, 31 इक्वल टू लेट से कितना है 11 प्लस आर माइनस 1, तो 31 इक्वल टू 11 माइनस 1 तो 10 प्लस आर, तो आर इक्वल टू 31 माइनस 10 दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 21 इक्वल टू आर. तो इसकी रैंकिंग कितनी हो जाएगी, 21. तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है, 25 और 21 चेक करते हैं, 25 और 21 कहाँ पे है, 25 और 21 तो 20 24 20 24 20 25 21, ये रहा 26 22, ये होना नहीं है, ये होना नहीं है, ये होना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर है ना. देखते हैं आंसर भी दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. दो लड़के थे रेस्पेक्टिवली का मतलब है जो उसके अब मनोज पहले है तो मनोज की रैंकिंग पहले दी गई है, सचिन बाद में है तो सचिन की रैंकिंग बाद में दी गई है, और दोनों के लिए हमें आंसर अलग अलग से निकालना होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो दिया है रवि इज 7th रैंक अहेड ऑफ द सुमित, ये भी मैं करवा चुका हूँ, एक अहेड करके एक क्वेश्चन और था शायद 7th 4 था उसमें. रवि रैंक 7 अहेड ऑफ द सुमित इन अ क्लास ऑफ 39. सुमित रैंक से, ओ माय गॉड, सुमित रैंक, व्हाट इज द रवीज रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, ओके देखते हैं इसको आराम से. रवीज रैंक अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास ऑफ 39 मींस टोटल, तो ये कंफर्मली लिख लो, टोटल भैया पहले लिखो 39. रवि इज 7th रैंक अहेड ऑफ सुमित है, तो मान लो सुमित ये है तो रवि यहाँ है, और कितना आगे है, 7 आगे है, और टोटल कितने हैं, 39. ऐसा डायग्राम बनाने से ज्यादा क्लियर रहता है. ए सुमित रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, ओके तो ये तो इजी हो गया, 17th रैंक नीचे से है और रवि की रैंक पूछी गई, तो 17 प्लस 7 तो 24 हो गया ये,
तो रवि नीचे से कितने पर है, 24 से, तो रवि ऊपर से कितने पर, तो निकाल दो, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 39, इक्वल टू लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से हमें निकालना है तो राइट नीचे से मतलब बॉटम से, बॉटम से कितने पे आया था 24 पे आया था, तो 24 माइनस वन, तो 39 इक्वल टू लेफ्ट प्लस 24 में से एक गया 23, तो 39 है ये, 39 माइनस 23 इक्वल टू लेफ्ट, और 9 में से 3 गया तो 6, और 3 में से 2 गया 1, 16 लड़के होंगे, कितने किस रैंक के पाएगा रवि ऊपर से, 16th रैंक पाएगा, तो 14, 15 एंड 16, ऑप्शन नंबर सी अगर आप ध्यान से देखें तो सी इज माई राइट आंसर, ओके सी देख लीजिए, सी जो है मेरा दैट इज द राइट आंसर, तो देखते हैं क्या आ जाएगा, आंसर नंबर सी इज माय राइट आंसर, ओके किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप देखते रहिए सैनिक इंस्टीट्यूट, सैनिक के स्कूल के लिए सबसे अच्छी कोचिंग, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ओहो माय गॉड दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली चेंज, रैंकिंग एंड टेस्ट आपका ओवर हो चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है और दिमाग लगाना है जस्ट ओनली, और आपको नंबर मिल जाएगा, ये क्वेश्चन एक ही आता है लेकिन आता जरूर है, हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, मीन्स आपको जो सीक्वेंस दिया है उसके अंदर तीन कितनी बार आए, अभी तक यहाँ तक एज पर दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच इज नाइदर प्रोसीडेड बाय नॉर इमीडिएटली फॉलोड बाय नाइन, तो बताना है तीन से पहले नौ नहीं होना चाहिए, तीन से बाद में भी नौ नहीं होना चाहिए, ऐसे कितने तीन है, मतलब तीन से पहले नौ ना हो, तीन के बाद भी नौ ना हो, प्रसीडेड मतलब पहले, और इमीडिएटली फॉलोड मतलब बाद में, ऐसा क्वेश्चन भैया प्रसीडेड के ऊपर एक जरूर होता है, वैसे लिख देगा 36199 व्हाट इज द प्रसीडेड नंबर, तो प्रेसिडेंट मतलब पहले वाला 36198, ये 2019 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, और नेक्स्ट नंबर भी वो पूछा जाता है, प्रेसिडेंट और एंटीसीडेंट कुछ ऐसा ही नंबर होता है जो कि एग्जाम में पूछा गया है 2019 में सैनिक स्कूल क्लास 6th में, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, ये आपके एज पर क्लास 9th है, तो क्योंकि क्लास छोटे वाले बच्चे हैं उनसे पहले का नंबर और बाद का नंबर पूछा जाता है, और आपके लिए थोड़ा सा एडवांस कर दिया है ना, तो ऐसे कितने तीन हैं जिनके पहले नौ ना हो और बाद में भी नौ नहीं होना चाहिए, तो ये देखिए पहले तो है लेकिन बाद में नौ है, छह है लेकिन इसमें एक जगह तो है ना, तो ये हमारा आंसर कतई नहीं होगा, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे हमें देखेंगे तीन के आगे छह है, नौ नहीं है चलेगा, लेकिन पीछे दे दिया ना नौ, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये देखिए ये हमारा आंसर है, सॉरी ये तीन, इस ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि नौ दिया है ना, नौ नहीं होना चाहिए तीन से पहले और तीन के बाद भी नौ नहीं होना चाहिए, और कौन सा है ये तीन, इसके ये भी नहीं है हमारा आंसर, ये भी नहीं है हमारा आंसर, तो जीरो आंसर होना चाहिए भाई, इसका आंसर देखना पड़ेगा, 1, 2, 3 एंड 4, इसमें देखते हैं एक बार फिर से देखना पड़ेगा यार, देख लेते हैं, तीन से पहले नौ है तो ये आंसर नहीं है, तीन से पहले बाद में है ये भी नहीं है, तीन से पहले ये भी नहीं है, तीन का ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो ये आंसर ऑप्शन गलत है भाई, देखो इसने आंसर भी नहीं दिया, ओहो तो इसमें नन आएगा भाई, एक ऑप्शन हमारी तरफ से और जोड़ दो, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, एक भी आंसर नहीं है इसमें दिया ही नहीं, ई ऑप्शन होना चाहिए था भाई, क्योंकि एज पर क्वेश्चन हमारा ई ऑप्शन बन रहा है, इनमें से कोई आंसर हमारा नहीं है, जीरो होना चाहिए था एक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी समझ आएगा, काउंट ईच 7 विच इज नॉट प्रेसिडेड बाय 5 बट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अदर 2 और 3, हमें उन सात को काउंट करना है जिनमें सात से
नॉट इमिडिएटली, यहाँ पांच नहीं होना चाहिए और आगे दो या तीन होना चाहिए, ये होने चाहिए, ये हो सकते हैं कोई भी हो और, बट ये पांच नहीं होना चाहिए। तो सात से पहले पांच है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये इसमें सात से पहले पांच है ये भी नहीं होगा, सात से पहले तीन है ये देखिए एक आंसर तो हो गया हमारा, क्यों? तीन या दो तो हो सकते हैं लेकिन पांच नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पांच भी नहीं है, तीन है तो कोई बात नहीं चलेगा। आगे तीन, तीन से पहले सात है, ओ सात वाला चेक करना, सात से पहले दो है, पांच नहीं है चलेगा, ये भी हमारा एक आंसर है। देखिए ध्यान से, सात से पहले पांच नहीं होना चाहिए, नहीं है, दो या तीन होना चाहिए तो तीन है तो ये चल जाएगा। तो हमारे कितने आंसर हो गए? दो हो गए। आगे देखते हैं, सात से पहले छः नहीं होना चाहिए, पांच नहीं होना चाहिए तो पांच नहीं चलेगा, लेकिन ये आठ कैसे आ गया? इमिडिएटली फॉलोड बाय टू और थ्री, दो या तीन होना चाहिए, यहाँ तो आठ है तो ये भी नहीं चलेगा। तो हमारा जो इसका आंसर होगा, राइट आंसर कितने हैं? दो आंसर है। ऑप्शन में आंसर नंबर ए मेरा आंसर है और इसका भी आंसर कितना है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। एक और देखते हैं, हाउ मेनी सेवन आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज इज प्रोसीडेड बाय सिक्स इज नॉट प्रोसीडेड बाय एट। छः पहले होना चाहिए बट बाद में छः नहीं होना चाहिए, सात से पहले छः होना चाहिए बाद में छः नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा कोशिश क्या होगी? सेवन खोजना है, सेवन, सेवन से पहले छः नहीं है ये नहीं चलेगा, सिक्स, सेवन से पहले सिक्स होना चाहिए है, सिक्स नहीं होना चाहिए एट है चल जाएगा कोई बात नहीं, छः नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी हो सकता है, सेवन से पहले सिक्स होना चाहिए है, छः नहीं है ये भी चलेगा हमारा, ये दूसरा आंसर है। सेवन से पहले सिक्स होना चाहिए है, नाइन, छः नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी चलेगा, तो ये तीन हो गए, एक दो और तीन। आगे देखते हैं, सात से पहले नौ है छः होना चाहिए, ये गलत है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, और सेवन, सेवन से पहले सिक्स होना चाहिए, सिक्स नहीं होना चाहिए ये भी हमारा आंसर है। देखिए सात से पहले छः होना चाहिए है, सात के बाद में छः नहीं होना चाहिए, नहीं है सात है कोई बात नहीं, चार हो गए हमारे, और सेवन से पहले सिक्स, सिक्स होना चाहिए नाइन, नहीं ये नहीं चलेगा, सेवन से पहले एट है यहाँ सिक्स होना चाहिए ये भी नहीं चाहिए। तो आंसर कितने हो गए? वन टू थ्री एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर, टोटल कितने ऑप्शन हो गए? चार। देखते हैं आंसर कितना आया, चार, वन टू, तो इसमें नन दिया है, देखिए इसमें ध्यान से, इसके अंदर हमारा नन दिया है और यही आंसर हमारा होना चाहिए, आंसर नंबर ई दैट इज नन। ठीक है, आगे ओहो, तो थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही है ना, keep watching, keep sharing, thanks, thanks for watching, thank you.